बच्चा खुशी देख रहा है, बच्चा चॉकलेट लेगा और जाएगा। वेलकम बैक टू माय चैनल मम्पी डॉट राहुल। अभी मेरे बहुत ज़्यादा ही तबीयत ख़राब है, मेरा मुंह देख के लग ही रहा होगा, लेकिन बाहर हो रहा है ओपनिंग। हम हम थोड़ा सा बाहर जाएंगे क्योंकि सोए थे, बहुत कस के बुखार आया था, मम्मी डांट के उठाई है। तो अभी नेल एक्सटेंशन करने के लिए पूछो एकदम जबरदस्ती है, चल दीदी नेल एक्सटेंशन करेंगे। तो अभी जा रहे हैं हम नेल एक्सटेंशन करने, जो करती है ना वो बगल में रहता है, तो पूछू के घर पे आया है, उधर बैठ के करेंगे। तो चलो तबीयत ख़राब हो चाहे जो भी हो, व्लॉगिंग तो रोज करना पड़ेगा। अभी हम बाहर तो नहीं जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा जाके आप लोगों को दिखा देंगे। यहाँ पे ओपनिंग हो रहा है क्योंकि हम ड्रेसेस नहीं पहने हैं, क्योंकि नेल एक्सटेंशन करना है और मेरा तबीयत बहुत ख़राब है। हम लाउडली बोल ही नहीं पा रहे, हमको पता नहीं आप लोग सुन भी पा रहे हो कि नहीं। तो प्लीज़ ये वाला व्लॉग ऐसे ही चला लेना, हेडफोन दे के थोड़ा एडजस्ट कर लेना। तो चलो हम ओपनिंग का थोड़ा पार्ट क्लिप दिखा देते हैं। हम बाहर ज़्यादा देर रहेंगे नहीं क्योंकि हम गिर जाएंगे ज़्यादा देर अगर खड़ा रहेंगे। चलो तो मेरा तबीयत तो थोड़ा सा ख़राब था, लेकिन ये लोग सब आए थे, मम्मी भी आई थी। यहाँ मम्मी को हम इशारा करके बोलते मम्मी हाय कीजिए। मायरा को लेके मम्मी बैठी थी, और हमको ना हर साल से ज़्यादा लोग इस साल लगा, बहुत ज़्यादा ही भीड़ था। और यहाँ पे मेरा जो भाभी लोग रहते हैं ना, वो लोग सब बुला रहे थे तुम क्यों नहीं आई। देखना अभी एक भाभी बुलाएगी हम कि बैठो इधर आके। तो हम बोले कि नहीं मेरी तबीयत ख़राब है, मेरा सिस्टर भी बुला रही थी यहाँ पे, देख रहे हो, लेकिन मेरा तबीयत इतना ख़राब था। और यहाँ पे हम आप लोगों को मूर्ति दिखा रहे थे, एक्चुअली बहुत बहुत प्यारी प्रतिमाएँ हैं इस बार, बहुत हर बार आते हैं, इस बार भी वैसे ही आए हैं, बहुत अच्छा। आप लोग अगला साल वाला भी देखे ही होंगे शीतला पूजा हम लोगों का। तो चलो अभी हम जाएंगे सीधा नेल एक्सटेंशन करवाने, बहुत रात हो गया था करवाने। तो व्लॉग को कंटिन्यू देखें, थैंक यू सो मच इतना अच्छा नेल लगाने के लिए। ओ नीचे वीडियो को चलो अच्छा बोल रहे हैं दोनों। रात का 12 और मेरा नेल एक्सटेंशन 12:30, मेरा अभी खत्म हुआ, मतलब 5 बजे से ये कंटिन्यू बैठे बैठे। किसका अच्छा लग रहा है कमेंट्स करके बताना, ठीक है? मेरा ही बोला, मेरा बोला मम्पी दी आपका। और यहाँ पे देखो अभी एक सेकंड हम बैक कैमरा कर, एक्टा ही तो चिल्ले चिल्ले बाजी मत खोल, इतना प्यारा है। में पड़ गया था कि मेरा बुखार आ गया, कैसे हुआ क्या, मतलब कल हम इतना तबियत खराब था कि हम कुछ भी स्किन के रूटीन में जो जो करते कुछ भी नहीं किए। और अभी हम जा रहे हैं थोड़ा सा जो भगवान को प्रसादी वगैरह फल वूल देंगे वो लाने, पापा ला दिया था, पापा एक दो चीज़ ना लाने भूल गए, वो लाना पड़ेगा। और बाहर ढोल का आवाज़ आ रहा है, एक सेकेंड आया ही होगा आप लोग को, सुबह से ऐसे भगवान का गाना बज रहा था इसलिए हम ब्लॉगिंग स्टार्ट नहीं करवा। लेकिन अभी कितना सुंदर ढोल बज रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और देखो कल हम नेल एक्सटेंशन किया, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी हम जाएंगे फल वूल लाए, मतलब फल पापा लाते, एक चीज़ लाने भूल गए, तो आम और माँ जाएँगे वो लाने, और नहा के आल्टा वगैरह लगा लेंगे, मतलब एकदम बहू बहू भर मांग सिंदूर पहनेंगे लगाएंगे, हमको बहुत अच्छा लगता है। तो चलो देखो प्रॉपर तो ठीक नहीं हुए, लेकिन जितना हुए बहुत मेरे लिए बहुत है, ठीक है बोलते हैं ना। देखो अभी तो अब इतना तो बोल भी पा रहे, कल इतना भी नहीं बोल पा रहे, एकदम मतलब लैत खा गए थे जो बोलते हैं बंगाली में। तो आज थोड़ा सा ठीक है, मतलब कष्टी उष्टी दे पाएंगे। तो चलो हम कल पूरा प्रे कर रहे थे कि हम ठीक हो जाए, हम ठीक हो जाए, हम ठीक हो जाए, क्योंकि तो कष्टी देने के लिए ही मतलब हम उधर से आए हैं इतना जल्दी, और मतलब कितना सारा कष्टी के लिए शॉपिंग वगैरह किया, ये पहनेंगे हमने कितना कुछ, हम कल बहुत डर गए थे, बहुत प्रे किए। तो चलो और हम लोग यहाँ से ना चिड़िया बोलते हैं, इतना अच्छा लगता है, मैं आप लोगों को दिखा दूँ। कैसा टाइम लग रहा है, ये रहा पंडाल, मेरा घर से दिखता है ये। मायरा को मम्मी लोग रेडी कर रही है, क्योंकि अभी थोड़ा बाजार जाके सब फल वूल लेना है प्रसादी। तो मेरा थोड़ा गला ख़राब है,
और यहाँ पे मायरा बहुत रो रही थी क्योंकि ना वो अपने पापा को याद कर रही थी, बहुत चिल्ला चिल्ला के पापा पापा कर रही थी इस टाइम। उसको रेडी करेंगे फिर जाएंगे हम लोग बाजार। मेरा ना बुखार ठीक हो गया लेकिन इतना सर्दी हुआ। मम्मी को कंटिन्यू ये लड़की ने डांटे जा रही है। पोटी हगा पोस्कर कर दिया, नहा दिया हमको मारा मायरू ने। तो अभी ना हम पूजा का जो है सामान है मम्मी नहा ली, हम जाएंगे मम्मी के साथ, मम्मी को दिलाएंगे, मम्मी पकड़ के ले आई क्योंकि अभी तक नहाए नहीं। उसका एक ही रीजन है, हम नहा के ना अभी फिलहाल नाइटी पहनेंगे। और देख रहे हो इसका खुशी देख रहे हो, मेरा छोटा बच्चा है, ये अच्छा बच्चा है, वो अच्छा नहीं है, हमको मारता है डांटता है, वो छूना बच्चा बाहर जाएगा किसी दो। चल दलाल तो के बोले सीम सीम पता दो किसी दो, अच्छा मैं देगा किसी दो, किसी दो मामा मामा दो किसी दो मामा किसी दो दो किसी दो किसी बदमाश हो गई ना हमारा। मेरा ना थोड़ा सा सर्दी है और हाँ जो कि बोल रहे थे क्योंकि अभी नहा के नाइटी पहनेंगे और बाबू ना बाबू को बिल्कुल पसंद नहीं है हम नाइटी पे ब्लॉगिंग करें, इसलिए हम अभी नहीं नहा रहे। सोच रहे कि जो जो मेन है वो दिखा के हम नहा फिर नाइटी पहन ले, फिर पूजा जब करने जाएंगे ना तब हम कपड़ा चेंज करेंगे। थोड़ा थोड़ा क्लिप ले सकते लेकिन बहुत ज्यादा क्लिप नाइटी पहन के नहीं ले सकते, बाबू गुस्सा करते हैं, हम नहीं चाहते कि वो गुस्सा करे कोई भी रीजन में, क्योंकि वो बोलते कि तुमको कितना कपड़ा चाहिए हम ला देंगे लेकिन नाइटी वाला जो सीन है उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो इसलिए हम नहीं, तो अभी सोच रहे कि ब्लॉगिंग कर लेते हैं। तो अभी जाएंगे बाजार हम और मम्मी डाब लेने, थोड़ा सा ज्यादा वॉइस ओवर हो जाएगा इस वीडियो पे क्योंकि ना पूजा हो रहा है तो गाना वाला चल रहा है भगवान का, जैसे वॉइस ओवर ज्यादा करेंगे जब भी सॉन्ग बंद होगा तभी हम कुछ बोल पाएंगे आप लोगों को। तो चलो हम नहीं नहाए तो हम कुछ पकड़ेंगे नहीं, मम्मी पकड़ेगी तो उसके बाद हम आके नहाएंगे क्योंकि उसके बाद कोई काम नहीं है। और हम सब गोलका पहने हैं, देखो सब गोलका पहने, बस एक गले में कुछ गोलके नहीं पहने हैं, एक मंगलसूत्र है मम्मी का, तो पापा आएंगे तो वो निकाल देंगे वो पहनेंगे, मतलब मम्मी का नहीं बोल सकते हम, बाद में आपको बताएंगे। हाँ एक मंगलसूत्र है वो वाला, पापा आएंगे तो निकाल देंगे क्योंकि पापा बहुत अंदर में रखे हुए हैं, वो आएंगे तो पापा आएंगे निकालेंगे तब इसको चेंज करके ना मंगलसूत्र पहन लेंगे। तो चलो अभी बाजार जाते हैं। ओ मां की बाकी आछे डाब और डाब आलता सिंदूर संदेश दही, डाब आलता सिंदूर संदेश दही यही सारा सब लाना है तभी हम जा रहे हैं लाने। तो ये दोनों नहा लिया ना, मम्मा ने नहाई मायरा नहा ली, बाप रे मायरा नहा ली। और ये पूरा शीतला पूजा एक दोनों बहन ट्विंस करने वाली है, मतलब सेम सेम ड्रेस पहनने वाली है, बबरी पीरित सेम सेम ड्रेस पहनने वाली है। लेकिन अभी तो नहा के मायरा को पहना दिए, कल भी इन लोगों का सेम ड्रेस था हम आप लोगों को दिखाई नहीं थे पर आज से दिखाएंगे सारा कुछ, कल मेरा इतना तबीयत खराब था। चलो चलो चलो, दोनों का टोटल ना 13-14 ड्रेस हुआ इस पूजा में और सारा सेम सेम हुआ है, मतलब दो बहन लगने वाली है, ऐसे भी तो है मतलब, और मतलब ट्विंस लगेगी। चलो बाहर का नजारा कुछ ऐसा है, तो बोल जाओ और वीडियो नहीं है, और वीडियो नहीं तो वीडियो ও তো কেন অনেক কিছু পাওয়া যায় কিন্তু 1 টাকা বেশি কেন দেখো না ভাই পাতা খেলো করে আই বলো না আর খড়ি শুধু নেই, হ্যাঁ হ্যাঁ ওই খড়ি শুধু নেই, ভালো ভাই এখানে তো ভালো। আরে এটাই কাজ, পূজা কা সামান দিখাও পহলে আপ, দিয়ে দাও না বাবা দিয়ে দেখো মম্মি কে পাস দে দি পূজা কা সামান, আমি পুচু কো বুলানে আনা কিউকি উসকা সাস বুলা রহি হ্যায়। आज मेरी मम्मी उनको बोल रही थी नाखून बना के थोड़ा ज़्यादा ही स्टाइल मार रहा है कुछ, वो की फैक्ट बात है क्योंकि लड़की लोग का यही तो शौक ही, मतलब शौक है एक दो दिन ना, मतलब देखो जब भी लगाते तब एक दो दिन ऐसे करके रहते हैं हम ऐसे करके, उसके बाद नॉर्मल हो जाते हैं। मम्मी का हंसी देखो, मम्मी को बोला आपको करना है चलो आपको भी करवा दे, तो बोलते कि नहीं नाटक करती मेरी मम्मी नहीं, तो पापा बोलते पूरा पैसा वेस्ट, पूरा पैसा उस पैसा का कुछ खा लेते हैं हम लोग,
देखो यही तो हम लोग का है पारा में पूजा, हर साल में एक बार ही आता है। तो चलो जल्दी से नहा लेते हैं, उसके बाद आलता वगैरह लगा के हम दुल्हन जैसा पूरा बन जाएंगे, फिर हम आप लोगों को दिखाएंगे, है ना। अभी नहा लिए और अभी लगाएंगे आलता वगैरह, और मेरी सिस्टर हमको लगा देगी आलता, वो भी आई है, वो भी कष्टी देती है सबका अपना अपना। তুই দিবি তো আমাদের এখন আমরা এখন সেলিব্রিটির সাথে বসে আছি। তুই দিস তো? আমি দিই না, মায়ের তো ইচ্ছা হলে। मतलब कुछ लोग हैं जो मन मर्जी कष्टी देता है, मन मर्जी कष्टी देता था लेकिन इस बार नहीं देगा, तो हम तो देंगे ही। चलो जल्दी जल्दी आलता लगा लेते हैं, और हम अगर आलता लगाएंगे तो मेरा ये खूबसूरत जो नेल्स दिखाए बार बार जो दिखा रहे कैमरा में वो खराब हो सकता है, इसलिए मेरी सिस्टर को बोले कि आज तुम लगा दो। तो ये लोग तो कोई काम का है नहीं, तो चलो आलता लगा लेंगे। सब मिनी ब्लॉग करते शुरू कर दिए यार, भाल लगे ना एडिटिंग करते ही 10 बचर लिखे हमें देखिए।